गो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई जी दा की एक अपकमिंग मूवी है जिसका नाम है मानुष, और उसका पहला सॉन्ग आया हुआ है जिसका नाम है उड़ जाऊं तेरे संग। और भाई ये ना हिंदी सॉन्ग है, तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। भाई ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दें, तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी वीडियो पर रिएक्शन देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स हैं, उन दोनों लिंक्स को जाकर जल्दी से फॉलो कर लेना। तो चलो आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस सॉन्ग के ऊपर। आखिर कैसा सॉन्ग है, कैसा मजा आता है, क्योंकि इनके बंगाली में तो बहुत प्यारे सॉन्ग होते हैं। अब हिंदी में सुनते हैं कि कैसी कंपोजिशन की है। तो चलो 1 2 3 गो। और भाई ये पैन इंडिया लेवल की मूवी है मानुष, और इसका टीजर धमाकेदार लगा। सही में तुझमें मिला है घर दिल को मेरे यारा, है डूबना तुझमें ना चाहूं किनारा। तुझमें मिला है घर दिल को मेरे यारा, है डूबना तुझमें ना चाहूं किनारा। उड़ जाऊं तेरे संग तू मांझा मैं पतंग, रंग जाऊं तेरे रंग तुझ में होके मलंग। तुझ में मिला है घर दिल को मेरे यारा, है डूबना तुझ में ना चाहूं किनारा। उड़ जाऊं तेरे संग तू मांझा मैं पतंग, रंग जाऊं तेरे रंग तुझ में होके मलंग। मंजूर है साथ मेरे है तू, और क्या मांग लूं, एक लौटा मेरा गुरूर है। पहले भी तेरे थे फिर होंगे दोबारा, लगता है हर पल दिल जब से हमारा। सारे अल्फाज तुम मेरी आवाज तुम, सारे अल्फाज तुम मेरी आवाज तुम। तो भाई ये था मानुष का सॉन्ग जो कि 24 नवंबर को रिलीज हो रही है थिएटर्स में, और ये इसका पहला सॉन्ग था जो कि था उड़ जाऊं तेरे संग। उड़ जाऊं तेरे संग ये मतलब गाना, और मेरे को देखो गाने में जो लिरिक्स थे और लिरिक्स बड़े प्यारे थे, और साथ ही साथ जो जिन्होंने गाया ना, शाश्वत सिंह शायद से नाम था इनका,
और भाई मतलब क्या जबरदस्त आवाज है यार, मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हम कि भाई ये किसी बॉलीवुड सिंगर ने गाया, ये मतलब ऐसा फील नहीं होता। इतनी तगड़ी लिरिक्स, इतने ज्यादा तगड़े थे, और तो और जो वीडियो बनाई गई है ना भाई वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी। और मुझे ना मतलब पहले सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये भाई ये हिंदी मूवी है कि बंगाली मूवी है, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि डब की गई है, गाना डब किया गया हुआ है। सही में मैंने ये पहले भी देखी है चीज की, जो बंगाल इंडस्ट्री के लोग है ना वो डबिंग बहुत प्यारी करवाते हैं यार, जो हिंदी में डबिंग होती है ना बड़ी ज्यादा जबरदस्त। शायद इनका हाथ काफी वो होता है ना, स्ट्रांग होता है हिंदी में भी, तो उसकी वजह से मैंने देखा कि इनके मूवी के ट्रेलर में भी जब हिंदी डब की जाती है मूवीज को भी पता नहीं चलता, गेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये हिंदी मूवी है या मतलब कि डब की गई है यार, बिल्कुल पता नहीं चलता। वॉइस ओवर भी बिल्कुल परफेक्ट डब की जाती है, उसमें तो शायद जीता नहीं वॉइस की अपनी ने खुद हिंदी में। और ये जो भाई गाना था इसका उठ जाऊं तेरे संग भाई मानुष मूवी का, मतलब हमने सिर्फ टीजर देखा था भाई, टीजर में तो भाई धमाकेदार था सॉन्ग यार। ये वीडियो मुझे इस गाने की ना वीडियो भी बड़ी प्यारी लगी है, मुझे इसका देखो कलरिंग बड़ी प्यारी है। और मेरे को थोड़ा सा देखो वीडियो में मैं बताऊं तो मुझे ना हल्का सा जो स्टार्टिंग में जब गाना शुरू होता ना तो इसका जो मेजर पार्ट है वो एक ही लोकेशन पे शूट किया गया है, नोटिस किया है कि जो मेजर पार्ट है ना स्टार्टिंग में वो मेजर पार्ट एक ही लोकेशन दिखाई दिए, वो लगभग देख लो शायद से एक मिनट के आसपास एक ही लोकेशन पे है वो, तो मेरे को वो थोड़ा खटक रहा था कि भाई क्यों ना ये इन्होंने लोकेशन क्यों नहीं चेंज की। थोड़ा डांस भी होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लिपसिंग की गई है, पर ओवरऑल अच्छा गाना था यार, जबरदस्त भाई गाने में तो कोई डाउट नहीं है। हमने पहले भी देखा भाई गाने, हमने पहले ही बोला कि इनके गाने भाई ऐसा लगता है हम बोले कि हम किसी चीज से कंपेरिजन करें नहीं भाई, बहुत जबरदस्त मेड सॉन्ग था भाई, अल्टीमेट भाई। बाकी आपको इस मूवी का इंतजार है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर से अपना ओपिनियन शेयर करना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप सबको ये वाला सॉन्ग कैसा लगा। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, 20,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है तो जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर करा दो। तो चलो आपसे मुलाकात होगी हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।